मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को फौरी तौर पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौसूल हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फरजीन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ जी पीर से। लाइफ में जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप सब लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चले चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई मैं तो ज़िंदगी में हमेशा खुश और पॉजिटिव रहती हूँ और मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव रहने की वजह से ना मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। मैं कभी भी नेगेटिविटी की तरफ जाती नहीं हूँ और कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचती नहीं हूँ, कभी भी बुरा करती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सब लोगों को भी यही कहूँगी कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, आपके साथ अच्छा होगा। ये हो नहीं सकता कि आप किसी के लिए बुरा ना सोचें और अल्लाह ताला आपके साथ बुरा करें, ऐसा हो नहीं सकता। सो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, खुद को पॉजिटिव और अच्छा रखो और आपके साथ लाइफ में अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और ये है जी जुमा का क्लिप। जुमा को मैं जो हूँ वो सूरह कहफ लाज़मी तौर पर पढ़ती हूँ। सूरह कहफ जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और जो भी सूरह कहफ जुमा वाले दिन पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और जी मैं नमाज़ पढ़कर और कुरान पढ़कर फ्री हुई थी तो जुमा वाले दिन मौसम बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा था, खूबसूरत सा मौसम था और आजकल तो लाहौर में बहुत ही हसीन मौसम है। अबे जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, बाहर इतना खूबसूरत आज मौसम हुआ हुआ है, इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। अगर मौसम अच्छा हो तो आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। सो आज लाहौर में मौसम बहुत अच्छा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों की आमद जो है वो लाहौर में हो गई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम होता है और रेनबो सी जो है वो एक तरह से ये आसमान मंज़र पेश कर रहा है, कौसे खजां का मंज़र पेश कर रहा है, खूबसूरत कलर्स। और सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है कि अल्लाह ताला की इतनी प्यारी कुदरत और इतनी शानदार कुदरत है कि अल्लाह ताला जिस मर्ज़ी टाइम आसमान को जिस मर्ज़ी कलर में तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैं कुछ कामों से फ्री हुई थी तो मैं जो रिलैक्स कर रही थी, बैठी हुई थी, तो व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट अपलोड किया है, 2 दिन बाद अपलोड किया है और इसके कुछ वजूहात थी, कुछ जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी सो यही वजह थी। और यहाँ पर जी फाइज़ा रिजवान जो हैं वो मोबाइल्स में मसरूफ़ अमल हैं, दोनों लगे पड़े रहते हैं फ़ोन्स में और आजकल बच्चे जो हैं ना वो फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब मुझे पता है कि मुझे अपने बचपन में फ़ोन बिल्कुल भी नहीं मिला था, मैं तकरीबन जो है 16-17 साल की थी तब भी मुझे फ़ोन नहीं चलाना आता था ठीक तरह से। और यहाँ पर जी मैं नीम टोनर रेडी कर रही हूँ मरियम परवेज़ की, ये मैंने देखी थी रेमेडी, सो मैंने सोचा कि आई विल ट्राई। और क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू हुआ हुआ है तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले मैं रेडी जो है वो इसको तैयार करते जो है वो ट्राई करती हूँ। और आप एक और जो है वो क्लिप देखें मौसम का, इतना खूबसूरत मौसम कि इंसान का दिल खुश हो जाए और सुभान अल्लाह कहने को तो बार बार दिल चाहता है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो जब तो इंसान खुद बहुत ही कहता है। और यहाँ पर जी मैं आपके साथ जो वो शेयर कर रही हूँ नीविया का मॉइस्चराइज़र जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन जो है वो ड्राई भी है और गर्मियों में ड्राई नहीं रहती इतनी ज़्यादा, सर्दियों में तो बेहद ड्राई रहती है, लेकिन ये बेस्ट रिफ्रेशिंग सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है नीविया की और यही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। आप लोग मॉइस्चराइज़र तो अपनी स्किन पर लास्ट में यूज़ कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। जब भी फेस वॉश करें मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, रोज़ वाटर एज अ टोनर यूज़ करें या आप जो भी अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा अहम है हमारी स्किन के लिए। और यहाँ पर जीटी विलाउंज साफ़ सुथरा कर दिया था, जब मैं उठती हूँ तो ये एक अलग ही मंज़र पेश कर रहा होता है। सो
उसके बाद फिर अच्छा हो गया था। आज के व्लॉग से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।